चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. मार्केट कभी भी ऐसे नहीं घूम के भाग जाता, कभी भी नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आया, ऐसे पूरे पैराबोलिक में ऐसे कभी नहीं आता। वो इंट्राडे मूवमेंट्स होती हैं, आपको लगता होगा कि ये 500 पॉइंट कल बढ़ गया तो ये तो सर ऐसे बढ़ गया, ऐसे क्यों हो गया। वो नहीं है 500 पॉइंट। जब आप उसको लॉन्ग चार्ट्स पे कोई भी स्क्रिप्ट का नाम बोलो, उसको देखते हैं कैसे मूवमेंट है उसकी। बोलो यार, एचडीएफसी बैंक देख रहे हो आप, ऊपर गया फिर नीचे फिर ये ऐसे कभी नहीं होगा। मार्केट आपको मूव जब देगा आपको नजर आएगा, और हमको वो डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना है, राइट। तो जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल ही नहीं है, इसको हम स्टॉक मार्केट के साथ ट्रेंड के साथ जोड़ेंगे। अब हम कोई स्टॉक लेते हैं जिसके ट्रेंड को हम अब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसी बेसिस पे, यही एग्जांपल के ऊपर। स्टॉक बोलो, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को सबसे पहले हम कैंडल्स के ऊपर लगाते हैं। कैंडल सबने पढ़ा है? Yes, sir. किसी को कैंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ। ये कैंडल्स चार्ट है बर्जर पेंट का, और इसको हमने मंथली सिलेक्ट किया है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये बताओ, यहां पर आपको मंथली, इस समय ये समझ लो कि ये मंथली चार्ट है, ये इस मंथ की कैंडल है और ये पिछले मंथ की कैंडल है। ये वाला मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि आज तारीख हो गई है 24। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मंथ इज गॉन, तो मैं इस कैंडल को कंसिडर कर लेता हूं। तो ये आप लोग मुझे बता सकते हो क्या ट्रेंड है? सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बुलिश ट्रेंड क्यों है ये भी बता दो। जो मैं लास्ट की रेड कैंडल अगर देखूं, ये लास्ट की रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ठीक है। यूडीटीएस का पहला रूल, जो नोट करना चाहते हो नोट कर लो, यूडीटीएस फर्स्ट पैरामीटर मंथली ट्रेंड शुड बी बुलिश, ठीक है। अब इसको हम शिप से समझाते हैं। इसका मतलब ये जो एक शिप है, किसका शिप है? ये बर्जर पेंट का शिप है। इसके अंदर एक महीने से जो लोग बैठे हैं वो आगे रो कर रहे हैं, और आगे रो कर रहे हैं तो ये कहां जा रहा है? समझ में आ गया? डिमांड समझ में आ गई कि इसके अंदर ये डिमांड है, राइट। अब हम वीकली पे देखते हैं। ये वीकली चार्ट है, वीकली कैंडल चार्ट ऑफ बर्जर पेंट। ये करंट वीक की कैंडल है। करंट वीक आज ट्यूसडे है, तो क्योंकि अभी वीक स्टार्ट हुआ है तो मैं इस कैंडल को अभी कंप्लीट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कैंडल फ्राइडे को कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह कौन सी कैंडल लूंगा? प्रीवियस वन। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो चार्ट है वीकली चार्ट बर्जर पेंट का, वो आपको क्या ट्रेंड बता रहा है? बुलिश ट्रेंड बता रहा है। किसी की कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड पैरामीटर कंप्लीट हो गया, यूडीटीएस। यूडीटीएस के टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। पहला मंथली बुलिश होना चाहिए, सेकंड वीकली बुलिश होना चाहिए, क्लियर है? Yes, ये समझ में आ गया, ठीक है। Yes. इसका मतलब एक वीक पहले जो लोग इस शिप में बैठे थे वो भी इसको आगे रो कर रहे, राइट। अब हम चलते हैं डेली पे। ये हमारा डेली कैंडल, डेली कैंडल। अब आप लोग बताओगे कौन सा है? ये है मेरे ख्याल में आज की, है ना? ये आज की है जो अभी बन रही है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि अभी क्या होना है इसमें। हम प्रीवियस कैंडल को देखते हैं, क्या ट्रेंड है? बुलिश। तीसरा पैरामीटर यूडीटीएस का, तीसरा पैरामीटर कि डे भी बुलिश होना चाहिए। तो यहां बुलिश है, क्यों बुलिश है? वेरी गुड, पीछे वाले बोल दो। सर आप जमशेदपुर से? परफेक्ट। तो इसका मतलब अभी तक हमारे तीन पैरामीटर्स कंप्लीट हैं, मंथली वीकली डेली बुलिश है, ठीक है। नॉर्मली
हम ये तीन पैरामीटर्स को होमवर्क के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीन पैरामीटर्स हमको कल रात को ही पता लग गए थे या कल मार्केट बंद होने के बाद पता लग गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये होमवर्क के लिए रखना है, क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो उसमें हमको तीन पैरामीटर्स और लगाने हैं, तो हमारे टाइम की बचत हो इसीलिए हम होमवर्क कुछ करके रखेंगे। UDTS के अंदर टोटल मिला के 9 स्ट्रैटेजीज हैं। 9 स्ट्रैटेजीज किसके किसके ऊपर हैं? कैंडल के ऊपर 4 हैं और लाइन के ऊपर 4 हैं और एक स्ट्रैटेजी है वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आज हम जो बात अभी कर रहे हैं वो हम केवल बात कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्ट्रैटेजी ऑन इंट्राडे, ठीक है। बाकी की स्ट्रैटेजीज भी इससे मिलती जुलती हैं, वो आपके फैकल्टीज आपको समझा देंगे, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि हम वो सबके ऊपर बात करें। हाँ, किसी को 1-to-1 कुछ डिस्कशन करना हो तो हम वो अलग से करेंगे। तो तीसरा पैरामीटर क्लियर हो गया, राइट। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मंथली, वीकली एंड डेली इज बुलिश। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर के लिए हमें लाइव मार्केट में आना है। इस समय टाइम हो गया 9:50, मार्केट खुल चुकी है, ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। UDTS ये भी कहता है कि हमको 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना। 10 बजे से ट्रेड पहले क्यों नहीं लेना? कि एटलीस्ट हमको पुराना ट्रेंड तो पता है, हमको ये पता है कि जो एक महीने पहले बैठे थे वो आगे रो कर रहे हैं बर्जर को, जो एक वीक पहले बैठे थे वो भी बर्जर को आगे रो कर रहे हैं, जो कल बैठे थे वो भी आगे रो कर रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि आज जो बैठेंगे वो क्या करेंगे, ठीक है ना सर। आज जो बैठेंगे वो तो जब कुछ रो करेंगे जब दिखेगा मुझे कैंडल्स पे कि वो आगे रो कर रहे हैं कि पीछे रो कर रहे हैं। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं अजम्पशंस नहीं खेल रहा हूं, मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं। अगर मैं गैम्बलिंग करता तो सुबह आंख बंद करके बर्जर ले, ये गैम्बलिंग है। मैं अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर मैंने ट्रेड किया तो 10 में से 8 चांसेस हो कि मैं विनर हूं, ठीक है। अगर मैं गैम्बलिंग करता तो क्या करता, सुबह खुलते ही 9 बजे, ये देखो यहां से शुरू है, ठीक है, लिया और उसके बाद ये 15 मिनट के अंदर वापस नीचे, ठीक है। तो ये गैम्बलिंग है ना, हम लेते यहां पर कहीं और फिर ये नीचे आ जाता। लेकिन हमको अपनी प्रोबेबिलिटीज को हायर पर रखनी है ताकि हमको नुकसान ना हो। मुझे प्रॉफिट हो या ना हो कोई गम नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे घर का पैसा बाजार का पैसा नहीं है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका हो सकता है। मैंने अगर पैसा कमाया है तो मैं बाजार को क्यों दूं, और अगर मेरा जा रहा है तो मैं बाजार में काम ही नहीं करूंगा, ये मेरा असूल है। तो अगर मुझे बाजार में कमाना है तो ही मुझे मार्केट में आना है। हम आगे चलते हैं, हमने देखा मंथली, वीकली, डेली बुलिश, अब हम इंट्राडे उसके ऊपर आ रहे हैं। 15 मिनट चार्ट देखो, अब आप लोग बताओ, ये पहली कैंडल है, सुबह बर्जर पेंट खुल चुका है, ये दूसरी कैंडल है, ठीक है, और ये तीसरी बन रही है, ठीक है। अब आप लोग बताओ मेरे को क्या ट्रेंड है, सारे बोलो, बताओ, जो कहते हैं हम कट शॉर्ट करते हैं, जो कहते हैं बुलिश है हाथ खड़े, ठीक है, अब नीचे, जो कहते हैं बेरिश है हाथ ऊपर, ठीक। इसका मतलब कंफ्यूजन है, अगर कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं और कुछ लोग हाथ बुलिश पे खड़े कर रहे हैं, कुछ बेरिश पे कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन है, ठीक है। इसका मतलब ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो UDTS ने यह भी बोला हुआ है ना कि 10 बजे ट्रेड नहीं लेना, क्या 10 बज गए, 10 बजे ट्रेंड देखना तुम। UDTS अपने आप में एक मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि वो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ रहा है, आप कहां गलती करोगे उसको वो रोकेगा। हमें पता है कि यहां गड़बड़ आप कर रहे हो, लेकिन ये वाली कैंडल अभी आपको क्लैरिटी देगी, ये कैंडल 10 बजे बनेगी, ये जब 10 बजे कैंडल बन जाएगी तो हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। तो हम 10 बजे इसका वेट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे। बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम 10 बजे ट्रेड ले रहे हैं, तो बिगेस्ट ट्रेंड मैं 9:15 से 10 बजे तक ही तो लूंगा। अगर मैं ट्रेड 12 बजे लूंगा तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक की चार्ट देखूंगा, लेकिन अभी मैं अगर 10 बजे ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे यही चार्ट तो देख के लेना है, मुझे आगे के चार्ट थोड़ी नजर आएंगे। तो बिगेस्ट ट्रेंड मतलब यहां से लेके 10 बजे तक जो भी बिगेस्ट ट्रेंड है मैं उसी के फेवर में ट्रेड लूंगा, बशर्ते कि वो मेरा मंथली और वीकली और डेली से मैच हो। बर्जर पेंट के ऊपर हमने देखा
मंथली बुलिश था, वीकली बुलिश था, डेली बुलिश था, यही था ना। अब हमको ये देखना है कि जो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे है वो भी बुलिश होना चाहिए, जो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, ये चौथा होगा, अभी पता लग जाएगा, दो तीन मिनट रह गए, चार मिनट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आ जाओ फिफ्थ पैरामीटर, चलो बिगेस्ट ट्रेंड समझ लेते हैं। बिगेस्ट ट्रेंड जब हम बात करते हैं, हमको ये देखना है कि इस दौरान बुल ताकतवर है या बियर ताकतवर है। ये तीन कैंडल्स को देखते हुए आपको ये बताना है कि बुल ताकतवर है या बियर ताकतवर है। सर, जैसे अभी हम 10 बजे बैठे हैं लेने के लिए ट्रेंड, तो हम लोग लास्ट के तीन ट्रेंड देखेंगे, 9:15, 9:30 और 9:45 का, या अगर हम लोग 12 बजे ट्रेड लेने बैठे हैं तो हम लोग 11:30, 11:30, 12:15 कर लेंगे। सो व्हेन व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ आवर बिगेस्ट ट्रेंड? दैट्स माय क्वेश्चन। बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे, इसमें वाकई में कन्फ्यूजन है। मेरे पास YouTube के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे समझ नहीं आता। सर ने पूछा कि जब मैं 12 बजे ट्रेड लूंगा तो मुझे लास्ट की तीन कैंडल देखनी है, अगर मैं 2 बजे ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे लास्ट की ट्रेंड तीन कैंडल देखनी है, या मुझे पूरा शुरू से देखना है? हम बात कर रहे थे बिगेस्ट ट्रेंड की। बिगेस्ट ट्रेंड हमको देखना है, हम जिस समय भी ट्रेड ले रहे हैं, हमको शुरू से 9 बजे से लेके जब से मार्केट खुली है उस पॉइंट तक देखना है जब हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं ट्रेड ले रहा हूं तो 10 बज रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू से देखूंगा और मैं ये देखूंगा कि यहां पर ये कितने से शुरू होगा। ओपन क्या है, 429 और 431, इसको लेस करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है सर, ये अभी तक ये तीन कैंडल्स के अंदर मुझे सबसे बड़ा बुलिश डिफरेंस दिख रहा है। मतलब बुल ने 429 रुपये से मान लिया और 431 तक लिया, ये तो समझ में आया। इसका मतलब बुल की ताकत कितनी हो गई, 2 रुपये। तो हम लिख लेते हैं बुल की ताकत है यहाँ पर अभी तक 2 रुपये। ठीक है, केवल ये मैं बात कर रहा हूँ अभी इन तीन कैंडल्स की, क्योंकि और आगे का डाटा ही नहीं है। और बियर की ताकत कितनी है अभी तक, बियर ने यहाँ से माल बेचना शुरू किया और यहाँ तक बेचा। ठीक है, तो ये कितना है ओपन प्राइस, 431 माइनस ये क्लोज के 420, ये 29 है और ये 31.25 है, और ये कितना है 31 और 29, इसका जो डिफरेंस था वो 2.25 रुपये था, और बियर का कितना है अभी तक, और यहाँ ये भी कैंडल कंप्लीट हो गई, इसका तो ऑब्वियसली इससे कम ही दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी तक जो बुल की ताकत है वो 2.25 रुपये की है और बियर की ताकत 2 रुपये। ये बिगेस्ट ट्रेंड, अब बता दो कौन हुआ इनमें से, बुल की ताकत 2.25 रुपये, बियर की ताकत 2 रुपये। ठीक है, बुल इस 45 मिनट के अंदर, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं केवल प्रोबेबिलिटी को ढूंढ रहा हूं, इस 45 मिनट के अंदर 225 लोगों ने आगे रो किया है बोट को और 200 लोगों ने पीछे रो किया है, तो अभी भी बुल की ताकत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटीज किसके साथ हैं, तो हम बोलेंगे बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड इज बुलिश, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, कैंडल कंप्लीट हो चुकी है। तो सर अब ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन जल्दी क्यों करने है ना, पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे, पैसे आएंगे, घबराना नहीं है, मार्केट बंद नहीं होने वाला, मार्केट चलेगा। ठीक है, ये अभी कुछ पैरामीटर्स हैं, समझते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, अब पांचवा पैरामीटर। पांचवा पैरामीटर क्या है कि जो भी हमारा अब ट्रेड मैं तैयार हूं लेने के लिए, तो इस समय क्या रेट है, 430 का रेट है। ये जो करंट मार्केट प्राइस है वो जो मेरा डेली का सपोर्ट है, यानी कि ये वाला, अब डेली कैंडल पे जाते हैं, डेली कैंडल पे जाओ, ये पिछले दिन का कैंडल था, इसका सपोर्ट ये था, इसका प्राइस क्या है, 404, इसके ऊपर होना चाहिए जो है, समझ में आया। जब मैं अब ट्रेड लेने जा रहा हूं उस समय करंट मार्केट प्राइस शुड बी अबव सपोर्ट प्राइस ऑफ डेली कैंडल, और सपोर्ट प्राइस ऑफ डेली कैंडल था कल का ओपन 404 रुपए, और अभी रेट है 430 रुपए, तो मेरा पांचवा पैरामीटर भी पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं छठे पैरामीटर पे, सिक्स्थ पैरामीटर और लास्ट पैरामीटर, अगर इसने भी ओके किया तो ट्रेड लेना है।
ठीक है। लास्ट पैरामीटर क्या है कि जो 15 मिनट पहले लोग बैठे हैं इस शिप के अंदर वो आगे रो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हो गई ना कि जो अभी अभी बैठे हैं वो भी आगे रो कर दें तो हमारे को हमारे पैसे मिल जाएंगे। अब देखते हैं 15 मिनट वाले क्या कर रहे हैं। देखो जी बताओ 15 मिनट का ट्रेंड क्या है इस समय। वेरी गुड, तो 15 मिनट का ट्रेंड भी बुलिश है। कोई बता, कोई कह सकता है नहीं है ट्रेंड? ये लाइव मार्केट चल रही है, ये मार्केट मेरे, मैंने इसको ऑन नहीं कर रखा, ये अपने आप चल रही है और ये अपने डिसीजंस अपने आप लेगी। मुझे इसके डिसीजंस के पीछे चलना, राइट? ये मेरे डिसीजंस को फॉलो नहीं करेगी। मैंने यहां तक प्रोबेबिलिटी बना ली कि मेरे को बाई ट्रेड लेना है और मैंने यहां पर इस कैंडल पे क्या रेट पे, ये क्या रेट है, 430 रुपए में हमने बाई ट्रेड ले लिया। सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए, 430 रुपए का इस कैंडल पे भाव है, हमने ले लिया, ठीक है। बस यूडीटीएस खत्म, हमारा काम हो गया। अब हमने 430 रुपए में ट्रेड ले लिया, लेने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस, ये चीज आती है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जहां से जो भी बिगेस्ट ट्रेंड है उसका ओपन, वो मेरा स्टॉप लॉस है। बिगेस्ट ट्रेंड क्या था? ये वाला 225 रुपए वाला 429, तो स्टॉप लॉस है मेरा 429। मैंने सौदा कितने में लिया? 400। स्टॉप लॉस कितना है? प्रोबेबिलिटी सोचो अपने मन में, एक रुपए के स्टॉप लॉस से हमने सौदा लिया है, जाएगा तो एक ही रुपया जाएगा, ठीक है। खैर उसके बाद अभी तक ये 32 रुपए टच करके आ गया है। हमारे लेने के बाद अभी कितना मिनट हुआ है? 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 रुपए बढ़ चुका है हमारे लेने के बाद। ये देख रहे हो आप लोग, इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई है 432 रुपए, ये अभी लगा है, क्लियर है। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।